Hello people, it's me Shan. Thank you so much for clicking on this video and welcome to my channel. Today we are going to talk about this movie which is called Dil Jungli. ये ट्रेलर को आए हुए कुछ दिन हो गए हैं एंड जैसा मैंने वेलकम टू न्यूयॉर्क के ट्रेलर के बारे में कहा था, इसके बारे में भी यही कहूँगा. ये ट्रेलर मुझे कोई आइडिया नहीं था इस टाइप की कोई मूवी आ रही है. मुझे रैंडमली ये दिखा यूट्यूब पे. आप लोग सो रहे हो क्या? वेक अप, मुझे बताया करो मूवी के ट्रेलर्स के बारे में, मुझे नहीं पता चलेगा. ओके सो मुझे नहीं पता था इस मूवी के बारे में. अब मुझे ट्रेलर रैंडमली दिखा तो मैंने सोचा चलो साथ में देखते हैं, क्योंकि इसमें है तापसी पन्नू एंड साकिब सलीम. साकिब सलीम इज़ अ रियली गुड एक्टर, अंडररेटेड एक्टर. ही इज़ ब्रदर ऑफ हुमा कुरैशी एंड तापसी पन्नू के बारे में हम सब जानते ही हैं. अमेजिंग एक्ट्रेस है, हर तरह के रोल करते भी आ रही है और एक्टिंग से फाड़ते भी आ रही है, सिंपली ब्रिलियंट. सो अब ये दिल जंगली आ रही है मूवी, सो लेट्स सी ये किस बारे में क्या है, क्योंकि थोड़ा लंबा ट्रेलर है. इट्स 2 मिनट्स एंड 40 सेकंड्स लॉन्ग. So let's go right into it and let's see what they have to offer. So, Dil Jungli, here we go. Okay, I lost the trailer, I believe. Okay, Ira. Lovers like me are very few. English poem hai ye. Tune likhi hai. Tere bhai ne likhi hai. Samajh. सुमित ऊपर गुलाटी चीन हेड कोच चाटी मारी है बॉडी बना ली इतने बड़े बिजनेसमैन की बेटी अरे मामूली इंग्लिश हाउस में कौन किसे डम कर रहा है? जीरो जीरो सर जेम्स बॉन्ड मैम टीचर और स्टूडेंट की लव स्टोरी. निधि, दैट्स निधि फ्रॉम परमानेंट रूममेट्स. ये कौन है? क्या है? ओके दिस वन इज ऑल्सो फ्रॉम पूजा एंटरटेनमेंट. ओके जिससे पहले जो ट्रेलर मैंने देखा था ऑफ वेलकम टू न्यूयॉर्क, वो भी पूजा एंटरटेनमेंट का था एंड दिस इज ऑल्सो पूजा एंटरटेनमेंट. सो ओके सो क्या बोलूँ इसके बारे में, कुछ टू बी ऑनेस्ट कुछ खास समझ नहीं आया. इट वॉज लाइक यू नो कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं. थोड़ी कन्फ्यूजन भी कोई कौन किसके साथ है. पहले आई वॉज थिंकिंग शायद टीचर और स्टूडेंट का अफेयर हो गया है तापसी और साकिब का, बट उसके बाद परमानेंट रूममेट्स की निधि वहाँ पर दिखी. शी इज़ रियली क्यूट एंड रियली गुड एक्ट्रेस, तो वो वहाँ पर दिखी एंड यू नो आई डोंट नो किसी तरह का. और वो यू नो तापसी के साथ एक और लड़का था जो बाद में इंट्रोड्यूस हुआ, यू नो केम आउट ऑफ अ लैम्बोर्गिनी. अब पता नहीं कौन किसके साथ है, या यू नो प्यार कहीं है, शादी कहीं है, घर वाले किसके बारे में बात कर रहे हैं कि तू उससे प्यार करता है तो शादी कर ले. आई डोंट नो, इट वाज लाइक यू नो ज़्यादा पता नहीं चला कुछ खास इस ट्रेलर से, बट इट लुक्स लाइक फन. ऐसा लग रहा है कि हाँ यू नो इट विल बी अ पोटेंशियल वन टाइम वॉच, दैट्स ऑल आई कैन से राइट नाउ. बट इट लुक्स
फनी, ओके, ठीक ठाक फनी लग रही है, बट आई डोंट हैव दैट मच ऑफ हाई होप्स विद इट. बाकी ठीक है, लेट्स सी क्या होता है. सो साकिब सलीम अच्छा एक्टर है. मुझे दो मूवी याद है साकिब सलीम की जो मैंने देखी है. मेरे डैड की मारुति विद राम कपूर, अच्छी मूवी थी. अगर आपने नहीं देखी है तो देखिए, इट्स लाइक अ फन मूवी. ओके, दूसरी एक शॉर्ट फिल्म मैंने देखी थी, एक मूवी आई थी, आई डोंट रिमेम्बर, एक मूवी आई थी जिसमें चार यू नो शॉर्ट फिल्म थी, बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज मूवी आई थी. बॉम्बे टॉकीज में चार तीन चार चार शॉर्ट फिल्म्स थी, आई बिलीव चार होंगी, तीन या चार थी. तो ऐसी एक अनुराग कश्यप की, एक करण जौहर की, एक सुजीत सरकार की, एक जोया अख्तर की, ऐसे थी आई थिंक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. इफ आई एम सॉरी अगर मैं डायरेक्टर्स का नाम गलत ले रहा हूँ, कोई मिस कर दिया या रिप्लेस कर दिया तो आई एम सॉरी, बट जहाँ तक मुझे याद है कुछ इस तरह की चार मूवीज थी. उसमें एक मूवी थी जो करण जौहर ने बनाई थी, रानी मुखर्जी, रणदीप हुडा एंड साकिब सलीम. सो वो मूवी में भी साकिब सलीम ने अमेजिंग यू नो रोल प्ले किया था. ही वॉज सिंपली माइंड ब्लोइंग. सो टैलेंट की कमी नहीं है कहीं इस मूवी में, टैलेंट बहुत अच्छा है, बट स्टोरी से मुझे थोड़ा सा यू नो डाउट है हल्का सा. सो लेट्स सी कि इनकी एक्टिंग उसे यू नो ओवरशैडो कर पाती है या नहीं, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट. एंड आप मुझे बताइए व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस ट्रेलर, एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज तो प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए. एंड दैट्स ऑल. इफ यू वॉन्ट यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट एंड ट्विटर. एंड दैट्स इट गाइस, आई विल सी यू सून एक नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.